Hi friends, welcome to my channel Travel to Explore Places. My name is Manjunath. I am sharing videos of tourist destinations. Please like, share and subscribe my channel. This video is last video of my Leh Ladakh tour series. I am sharing the videos of unexplored places of Leh city like Hall of Fame, Stock Palace, Amis Monastery, Sindhu Ghat. टिबेटियन से लोग आए थे, वो लोग हैं नोमेड्स। वो लोग यहाँ पे ग्लिनर की चक्कर में आया था, भेड़ बकरी लेके। उसके बाद यहाँ पे आर्यन मोन्स 15 सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम अराइव हुआ था। उसके अंदर वो जो पाकिस्तान से आया था इस्लाम, पाकिस्तान के अंदर एक किंग था आमिर मीर नाम का, बाल्टी किंग। उसकी बेटी का नाम है ग्याल खातून। क्या था? ग्याल खातून वहाँ आमिर मीर की बेटी है। और यहाँ की जो राजा जो है उसका नाम है जामियांग नामग्याल। जामियांग नामग्याल बुद्धिस्ट बिलोंग करता है और ग्याल खातून मुस्लिम परिवार से, इसीलिए ये दोनों आपस में यहाँ पे शादी किया जाता है। शादी करने के बाद उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम है सिंगे नामग्याल। देखा आप लोगों ने सिंगे नामग्याल? ले पैलेस देखा आप लोगों ने? ले पैलेस देखा? ये जो ले पैलेस है इसी बेटे ने बना हुआ है, बहुत मॉनेस्ट्री बना हुआ है इसमें। ये जो सिंगे नामग्याल आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे। बाद बहुत सालों तक 1532 के बाद उन्होंने पूरे का पूरा बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले हम लोग डोगरा इंपायर के अंदर कंट्रोल में काम करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद ये जो लद्दाख हो, आप लोगों को पता है पूरे लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में बहुत साल बैठना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस जो गवर्नमेंट केम आए थे यहाँ पे। उसके बाद 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से घोषित किया, तो अभी लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया। इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए ये जो जामियांग नामग्याल ग्याल खातून और उसकी बेटे के बारे में हर एक दम नामग्याल डेनिसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी ऑफ लद्दाख के अंदर आप लोगों को यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जो कि कारगिल द्रास से लेके पेंगोंग से लेके लास्ट हमारा डोगरा थांग है वहां तक दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कारगिल डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को वेस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है और लेह डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को ईस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आप लोगों को 66% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, 14% आप लोगों को मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद 19% आप लोगों को हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि इस लेह के अंदर बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करते रहते हैं, कोई आपस में झगड़ा नहीं करते यहाँ पे। यहाँ पे ये जो लेह हो, लेह के अंदर बॉर्डर देखने के लिए कारगिल जाना पड़ेगा, 200-300 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। यहाँ से चाइनीज बॉर्डर देखने के लिए पेंगोंग साइड में जाना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा यहाँ पे जाएगा तो इसके अंदर हम लोग नुबरा जाना पड़ेगा, इसीलिए इसके अंदर कोई वो लड़ाई नहीं, भेदभाव नहीं। ये जो मुस्लिम है, ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू से बोल के अभी तक मैंने अपने उसके अंदर नहीं देखा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। इसके बाद लेह कारगिल वेस्टर्न लद्दाख के अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट करके आया सबसे पहले मुझे बताइए। आप दोनों ग्रुप का फर्स्ट शांति स्तूप लोकल है। इसके बाद ये देखा आप लोगों का, ये आज लोकल है। इसके बाद आप लोग संगम जाने वाले हैं, गुरुद्वारा जाएगा, उसके बाद आप लोग मैग्नेटिक हिल आएगा। आगे आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज सुनने को मिलेगा जो आपकी विजिट में आता है। आप लोग धीरे धीरे करके देख लेना। यहाँ पे आप लोगों को देखने की भी सामान है। लेह के अंदर आप लोग अभी 2-3 दिन है, लद्दाख की चाय पिया? नहीं। कावा हमारा नहीं है, कावा कश्मीर का है। हमारे अंदर आप लोगों को बटर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द आइटिनरी एंड टोटल बजट ऑफ 7 डेज टूर टू लेह लद्दाख फ्रॉम मुंबई बाय एयर। हेंस प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग।